फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड के लिए हम अपना सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वन का नाम है द सेल्फिश जायंट। अब सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और जायंट का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसे हम अपने हिंदी में कहते हैं कि शैतान, उस तरह से। तो अब उसके बारे में एक स्टोरी दी हुई है, छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें आपको क्या बताया गया है। चलिए लेट अस स्टार्ट। You must have been to a garden. Make a list of the things that you have seen there. अगर सपोज़ आप किसी गार्डन में जाते हैं और गार्डन में जाने के बाद में आप वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, तो जो जो चीज़ें आप देखते हैं उनके सब की लिस्ट आपको बनानी है। यानी कि एक एक्टिविटी है, अगर आप गार्डन जाते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे क्या है गार्डन जाते हैं, तो गार्डन में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, उनको आप लिस्ट के तौर पर लिख लीजिए। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर एंड कंपेयर योर लिस्ट। अभी आपके साथ और भी कोई गया होगा तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं अपनी लिस्ट में और आपने क्या क्या लिखी हैं, दोनों को कंपेयर करना है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। चलिए लेट अस रीड टू फाइंड हाउ अ सेल्फिश जायंट बिकम अ जनरस जायंट। अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक सेल्फिश जायंट जो रहता है, एक मतलबी जायंट, वो किस तरह से एक अच्छा जायंट बन जाता है। जनरस यानी अच्छा, ईमानदार, सच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जायंट्स कैसल हैज़ ए ह्यूज गार्डन, इट हैज़ मेनी फ्लावर्स। एवरी आफ्टरनून चिल्ड्रन ऑफ द विलेज प्ले इन द गार्डन। जायंट का एक कैसल होता है, कैसल यानी उसका महल जैसा घर होता है, और उस घर के बाहर उसका एक बड़ा सा गार्डन होता है। ह्यूज गार्डन मतलब बड़ा सा गार्डन। अब उस गार्डन में बहुत अलग अलग तरह के फूल होते हैं। एवरी आफ्टरनून चिल्ड्रन ऑफ द विलेज प्ले इन द गार्डन, हर दोपहर को गांव के जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे उसके गार्डन में आके खेला करते थे। जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे आपस में क्या क्या बातें करते हैं, देखिए दिया हुआ है। व्हाट फन वी हैव इन दिस गार्डन, कितना मज़ा आ रहा है हमें इस गार्डन में। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द जायंट कम्स बैक, लेकिन क्या होगा जब जायंट वापस आएगा। वेल द जायंट हैज़ गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड्स एंड इट हैज़ मेनी बीन मेनी ईयर्स, लेट अस होप ही नेवर कम्स बैक। अब कुछ बच्चे उसमें बोलते हैं कि जो जायंट है वो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए गया है और उसे जाकर बहुत साल हो गए हैं, तो शायद वो वापस ना आए। मतलब बच्चे चाहते थे कि वो वापस ना ही आए वहाँ पर। अब क्या होता है नेक्स्ट देखिए। वन डे द जायंट कम्स बैक, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में, वन डे जायंट्स कम बैक, ही सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, ही इज़ वेरी एंग्री। एक दिन ऐसा हुआ कि जायंट वापस आ गया, जायंट ने बच्चों को गार्डन में खेलते देखा और वो बहुत गुस्सा हो गया, ही बिकेम एंग्री। अब जब वो गुस्सा हुआ तो उसने क्या कहा, देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, दिस इज़ माय गार्डन, आई विल नॉट अलाउ यू ऑल टू प्ले हियर। वो बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरा गार्डन है और मैं किसी को भी यहाँ पे मेरे गार्डन में खेलने की परमिशन नहीं दूंगा, अलाउ नहीं करूँगा। सो ही बिल्ड्स ए हाई वॉल ऑल अराउंड द गार्डन एंड पुट्स ए नोटिस एट द गेट, यू सी हियर इज़ ए सेल्फिश जायंट। अब इस तरह से उसने पूरे जो गार्डन के बाजू में एक बहुत बड़ी दीवार बना दी। देखिए ये दीवार दिख रही है आपको इस पिक्चर में, तो ऐसे एक बहुत बड़ा घेरा लगा दिया, दीवार बना दिया गार्डन के बाजू में, और वहाँ पर ऐसा एक नोटिस लगवा दिया। नोटिस में क्या लिखा, देखिए, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब ट्रेसपासर्स का मतलब यात्री जो आते जाते हैं वो इस दीवार को अगर लांघ के आएंगे तो उनको सजा दी जाएगी। प्रोसिक्यूटेड यानी उन्हें सजा मिलेगी। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं।